अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी के मामलों में मसरूफ़ होंगे। अल्लाह ताला आप सबकी हर मुश्किल हर परेशानी अपने करम से दूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आज हमने बनाए हैं खाने में बैंगन और आलू, जो देखने में भी बड़े खूबसूरत लग रहे हैं और खाने में भी मज़ेदार होंगे। जिसकी शक्ल अच्छी हुई तो ज़ाहिर टेस्ट भी बड़ा अच्छा होगा इसका। आप लोग भी देख के बताइए कैसे बने। और साथ में इसके हमने बनाए हैं चावल। चलिए जी, हमारा खाना तो रेडी हो गया है और आप लोग भी आ जाएं, देखें कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह से। अब हम इसको खा के बताएंगे कि ये किस तरह का बना था, टेस्टी बना था। इंशाल्लाह कल के व्लॉग में मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि ये खाना कैसा बना था। वैसे लगते बड़े अच्छे हैं, जायकेदार होते हैं बैंगन बहुत ज़्यादा। अभी हम खाना खा के बैठे ही थे कि कुछ गेस्ट आ गए घर में हमारे, और मैं आपको एक बताऊं कि खाना बहुत मज़े का और जायकेदार बना था। वाकई में मज़ा आ गया खाने में, आलू बैंगन और साथ में चावल, वाकई में बहुत मज़ा आया। और हम सब लोग बैठे हुए बातें कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं सब, बहुत हंसी मजाक हुआ, बातें हुई, इंजॉयमेंट हुई अच्छी खासी। साथ में चाय भी रखी हुई थी तो चाय भी पी रहे थे। अच्छी खासी ठंड का मौसम है तो बहुत मज़ा आता है इस तरह बैठ के बातें करें और चाय भी पीते रहें तो बहुत मज़ा आता है। और ये ड्रेसेस वगैरह देखे जा रहे हैं जो मैंने तैयार की हैं, तो वाकई में सबको बहुत पसंद आए। और कढ़ाई भी इनकी, सिलाई वगैरह सब, बहुत डिज़ाइनिंग सब बहुत पसंद आई, बहुत तारीफें करी इन लोगों ने भी सबने। और आप लोग भी ज़रूर हमारे लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। और आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और खुसूसी तौर पे हम सबको अपनी दुआओं में याद रखें। और मैं भी आपके लिए बहुत दुआ करती हूँ। और मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। शुक्रिया।